चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है निरंतरता का हमारे जीवन में महत्व। प्रिय दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जीवन ठीक बाईसाइकिल की तरह है। जिस तरह बाईसाइकिल पर नियंत्रण पाने के लिए उसे लगातार चलाना पड़ता है, उसी तरह हमें अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए इसको निरंतर रखना पड़ता है, इसको हमेशा चलाना पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने भी यह सिद्ध किया है कि रुकने का मतलब डिके होता है और डिके का मतलब सड़न होता है। सड़न से हमेशा दर्द होता है और चलने का मतलब हीलिंग होता है। चलने का मतलब प्रवाह होता है। चलने का मतलब खुशहाली होता है। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज ऐसा ही हम अपने जीवन के लिए सोचें। गुरु नानक देव जी अपने जीवन में 26,000 किलोमीटर से ज़्यादा चले। उन्होंने अपना संदेश चारों दिशाओं में फैलाया। उन्होंने लोगों का कल्याण किया और दुख खत्म किया, लेकिन इसके लिए उनको एक बहुत लंबी यात्रा चलना पड़ा। प्रिय दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना महल छोड़े और फिर 29 वर्ष से लेकर अपनी 80 वर्ष की आयु तक घूमते रहे और किसी भी स्थान पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिके, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था कि समाज का कल्याण करना है, लोगों के दुख दूर करने हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में भागते रहे और इसीलिए उन्होंने मात्र एक सोटी और एक लंगोटी के सहारे हमारे देश को आज़ाद कराया। विवेकानंद ने लोगों को उपदेश दिया कि जागो, उठो, भागो और तब तक भागते रहो जब तक आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती। तो प्रिय दोस्तों, आज मेरा सुजेशन है कि हमें भी इस आधुनिक युग में अगर अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी है तो अपने जीवन को निरंतर चलाना पड़ेगा, हमेशा चलते रहना पड़ेगा। मेरा आज आपको आदेश है कि अगर आप बैठ सकते हैं तो आपको चलना चाहिए, अगर आप चल सकते हैं तो आपको तेज चलना चाहिए, अगर आप तेज चल सकते हैं तो आपको भागना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपको 5 युक्तियां बताना चाहता हूं जिससे आपके जीवन में भी निरंतरता आ सकती है। नंबर 1, प्रिय दोस्तों, आपको अपने जीवन में आभार जताना चाहिए। आपको उस हर चीज के लिए आभारी हो जाना चाहिए जो आपके पास है। आपको उस दौलत और खुशियों के लिए आभारी हो जाना चाहिए जो आपके जीवन में आ रही हैं। भगवान के प्रति आभार, अपने माता पिता के प्रति आभार, अपने दोस्तों के प्रति आभार, अपने बच्चों के प्रति आभार। प्रिय दोस्तों, अगर आप आभार प्रकट करेंगे तो भगवान आपको और मौके देगा ताकि आप और आभार प्रकट कर सको। आपको भगवान देता ही रहेगा,
देता ही रहेगा, अनकंडीशनली देगा और आपके जीवन में निरंतरता आएगी। नंबर दो, आपको साहसी बनना पड़ेगा, आपको निडर बनना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में डरपोक बनेंगे तो आप रुकेंगे, लेकिन अगर आप निडर और निरपेक्ष रहेंगे तो आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे, आप में निरंतरता आएगी, आप चलते रहेंगे, आप भागते रहेंगे। नंबर तीन दोस्तों, आपको अपने आप से प्यार करना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जैसे ही आप में आत्मविश्वास आएगा, आपके जीवन में निरंतरता आएगी, आप चलेंगे और आप अपने जीवन में भागेंगे, कभी भी आप अपने जीवन में रुकेंगे नहीं। नंबर चार, आपको हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको नकारात्मक वातावरण अपने चारों तरफ कभी भी नहीं बनाना पड़ेगा। आपके रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा निकलनी चाहिए, आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा रहना चाहिए। आपका विचार और आपका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जैसे ही आप पॉजिटिविटी से अपने आप को भरेंगे, आप में निरंतरता आएगी, आप अपने जीवन में भागने लगेंगे। नंबर पाँच, आपको अपने जीवन में शांत रहना पड़ेगा, आपको शांति प्रिय और एक शानदार इंसान बनना पड़ेगा। जैसे ही आप शांति प्रिय बनेंगे, आप विलक्षण हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे और आप एक शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। जैसे ही आप शक्तिशाली इंसान बनेंगे, आपके जीवन में निरंतरता आएगी, आप चलेंगे, आप भागेंगे और अपने जीवन में कभी भी नहीं रुकेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आइए आज इस विचार को पकड़ें, अपने आप को आभार से भर लें, साहसी बने, खुद से प्यार करें और हमेशा सकारात्मक रहें और अपने जीवन में हमेशा शांत रहें। आपका दिन शुभ हो, आपका आने वाला जीवन शुभ हो जाए, मेरी भगवान के आगे यह प्रार्थना है। धन्यवाद।